जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए। बता दें कि हमले में घायल 5 जवानों को कठुआ के बिलावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर रात पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माछेड़ी इलाके के बडनोटा में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी और दूसरी तरफ हाई थी। वहीं आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश में हेलीकॉप्टर, स्निफर डॉग्स और UAV और मेटल डिटेक्टर की मदद ले रही है। हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। बता दें कि आतंकियों का हमले में एक लोकल गाइड ने भी मदद पहुंचाई। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। यह संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5ों जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, आपने परिवारों से भी बात की है अभी? निश्चित रूप से बहुत बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवार जनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी है। ये दुखद घटना है और सरकार उन पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है और सरकार तत्काल कार्रवाई के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, उनकी जांच पड़ताल व गिरफ्तारी के लिए सरकार पूरी तरह अपने काम में लगी हुई है कि उनकी तो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। सर, हाथरस घटना की रिपोर्ट है, मैं कहता हूं देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहां की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी निंदा करना है, ये गलत है। और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, सब इसके खिलाफ है। और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों
बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं, जो ये टेररिज्म है इसको, ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग के हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता करना चाहिए, लेकिन बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। कैसे बातचीत हो, हम तो चाहते हैं बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकते। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है, और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है, इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए इस देश के लिए, जो आज ही नहीं साल साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं, ये तो हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पर भी मातम आए? तो क्या डॉक्टर साहब इसमें सोचा है कि ये टेररिज्म बार बार आपने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहा है पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर रुके हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, चाहे नरेंद्र मोदी है, कि भाई हमें आपसे